अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी ऑफ साइंस ग्रुप। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमारे टोटल टेंसेस का ये लास्ट टेंस है और आखिरी ये 13 वीडियो में बन रहा है। कि पहली वीडियो हमने बनाई थी इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस पर, फिर आगे 12 टेंसेस चलने थे और ये इस हिसाब से जो है वो 13 नंबर पर आ रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे। एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस वाले ये तीन सेंटेंस हमने स्टडी करने, तो इसमें वक्त का जिक्र होगा। जब तक टाइम का जिक्र नहीं होगा तो हम उसको ये कह नहीं सकते कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब इसमें जो टाइम का यूज़ होगा वो दो किस्म का होगा, या तो हमें उस वक्त का स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा या फिर हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो आपने यूज़ करना है सिंस, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट ना पता हो तो फिर आपने यूज़ करना है फॉर। तो ये दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर वाले दो टेंसेस में भी बताई थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो इसकी सबसे पहले पहचान लिख लेते हैं, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ मूव करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। तो इसमें लास्ट पे जो है फिक्रे के लास्ट पे, उर्दू फिक्रात के लास्ट पे यहाँ तो यूज़ होगा ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रखे होंगे, या फिर ये ऐसे भी टेंस यूज़ हो सकता है कि आपको सिर्फ होगा, होगी, होंगे यूज़ किया और साथ बीच में टाइम का जिक्र हो जाएगा, 3 बजे से, 4 दिन से, 8 दिन से, 9 दिन से, ऐसे भी इसकी एक पहचान हो सकती है। ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास इसमें यूज़ होगा टाइम का, तो हम इसके आगे लिख देते हैं कि साथ वक्त का भी जिक्र होगा। अब हम लिखते देते हैं यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़, सिंस फॉर फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम, और जो फॉर है नॉट फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ये दो चीज़ें आपने इसमें जो ज़रूरी हैं वो याद रखनी है। अब इसकी दो चीज़ें और हैं, एक होती है फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आ जाती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इसमें देख लेते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको बताई हुई है कि आपने वैसे याद रख लेनी है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट प्लस आईएनजी, थर्ड फर्स्ट प्लस आईएनजी, इन सब में कौन सी यूज़ होगी, फर्स्ट प्लस आईएनजी। क्योंकि ये इसमें एक टेंस आता है तो हम इसमें भी यूज़ करेंगे फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी दो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर लिख लेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा इसमें यूज़ करना है, हमने फ्यूचर टेंसेस में ये देखा था कि विल, शैल लाजमी यूज़ होगा। ये चारों टेंस फ्यूचर के हैं। सबसे पहला था फ्यूचर इंडेफिनेट, इसमें हमने यूज़ किया था विल और शैल। फिर आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस, इसमें हमने यूज़ किया विल बी और शैल बी। फिर फ्यूचर परफेक्ट में हमने यूज़ किया विल हैव, शैल हैव। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम यूज़ करेंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। अब विल हैव बिन किसके साथ यूज़ होगा और शैल हैव बिन किसके साथ यूज़ होगा, ये हम देखेंगे विल और शैल के साथ।
कि जिसके साथ विल यूज़ होता था उसके साथ विल हैव बीन, जिसके साथ शैल यूज़ होता था उसके साथ शैल हैव बीन। तो ये विल हमारे पास यूज़ होता था ही शी इट दे यू, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, और आई और वी के साथ सिर्फ शैल यूज़ होता था। इसका मतलब आई और वी के साथ ही हम शैल हैव बीन यूज़ करेंगे, बाकी सब के साथ विल हैव बीन यूज़ करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है सेंटेंस बनाने के लिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले यूज़ होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, या फिर यूज़ होगा विल हैव बीन, या फिर यूज़ होगा शैल हैव बीन प्लस विल हैव बीन या फिर shall have been plus third form of verb, plus first form plus ing plus object। अब इसमें subject के बाद will have been या shall have been use होगा, फिर हमारे पास first form plus ing, फिर object use होगा, फिर लास्ट पे हमारे पास यूज़ होगा सिंस और फार का यूज़। सिंस और फार के बाद हम टाइम का बता देंगे, सिंस फार, फार के बाद फिर आगे टाइम यूज़ हो जाएगा कि जो टाइम होगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो लास्ट पे यूज़ हो जाएगा। अब इसका एक टेंस बनाते हैं, वो स्कूल जाता रहा होगा। इसका आप सेंटेंस बनाते हैं उर्दू में, वो स्कूल जाता रहा होगा, यानी इसमें ये तो है सिंपल टेंस के आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए इसमें टाइम का जिक्र, वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, तो इसकी आप इंग्लिश बनाएंगे, वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा। तो इसकी आ जाएगी इंग्लिश, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल 2 घंटे, हमें नहीं पता स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, फॉर 2 आवर ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। ये इसका सेंटेंस बनेगा। अब इसका जब नेगेटिव बनाना है तो आपने क्या करना है, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। इसी तरह इसका नेगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव क्या बनेगा, विल स्टार्ट में ही बाद में, विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। अब इसकी एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेते हैं जिसके आपने खुद से इंग्लिश बनानी है। उर्दू में मैं सेंटेंस लिख दूंगा और उसकी इंग्लिश बनाएंगे, और इसकी आज जो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है इसको यूज़ करना, तो इसके 3-4 टेंस जो है वो हम खुद से बना कर पहले देख लेंगे इंग्लिश, और आपके लिए जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी वो कम क्वेश्चंस होंगे, तो 5-6 हम वैसे ही इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट इसके देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है। ये कुछ सेंटेंस मैंने बोर्ड पर लिखे हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए हम इसको नहीं जल्दी जल्दी इंग्लिश बना लेते हैं। सबसे पहले, बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, बशीर इसके साथ विल हैव बीन यूज़ करेंगे, शैल हैव बीन सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होगा, तो फिर इसके साथ आ जाएगा बशीर विल हैव बीन, बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा, लर्निंग लेसन अब कौन से 2 घंटे हैं, हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। शुरू वाला टाइम अगर किसी चीज़ का पता हो तो उसके साथ सिंस यूज़ करते हैं, अभी हमें स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता तो हम यूज़ करेंगे फॉर, लर्निंग लेसन फॉर 2 आवर्स।
फिर इसका नेगेटिव क्या बनेगा, बशीर विल नॉट हैव बीन लर्निंग लेसन फॉर 2 आवर्स, विल नॉट हैव बीन लर्निंग लेसन फॉर 2 आवर्स। इसी तरह इसका इंटरोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा, तो इसमें भी किसान फार्मर सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ भी यूज़ करेंगे विल हैव बीन। द फार्मर हैव बीन प्लफिंग, हल चलाने की इंग्लिश प्लफ होती है, उसके साथ आईएनजी यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लफिंग 4 रोज से, हमें नहीं पता कौन से 4 रोज, फॉर 4 डेज। ठीक हो गया। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, द फार्मर विल नॉट हैव बीन प्लफिंग फॉर 4 डेज। इसका नेगेटिव आ जाएगा, द फार्मर विल नॉट हैव बीन प्लफिंग फॉर 4 डेज। इंटरोगेटिव इसका क्या बनेगा, विल द फार्मर have been bluffing for 4 days। अब नेक्स्ट आ जाएगा, वो 3 दिन से शरारत कर रहा होगा। अब 3 दिन हमें नहीं पता कि कौन से 3 दिन है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं हमें पता, तो इसमें भी यूज़ होगा फॉर। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं, ही यूज़ होगा, ही के साथ हम यूज़ करेंगे विल हैव बीन, तो ये आ जाएगा ही will have been शरारत करना making mischief for 3 days। इसका नेगेटिव में आ जाएगा will not have, और इंटरोगेटिव आ जाएगा will he have। अब लास्ट वन है, वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा, he के साथ भी will have been, he will have been starting going to school regularly since September, क्योंकि हमें इसमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट उसका कि सितंबर से जा रहा है, तो हम इसका फिर लिखेंगे सिंस सितंबर। अब इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लिख लेते हैं, जो आपने खुद से बनाने हैं वो 5 या 6 लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये प्रैक्टिस के लिए इसके कुछ टेंस यहाँ पर मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, इसकी आपने खुद से इंग्लिश बनानी है। इसका सिंपल टेंस भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, और इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना लीजिएगा। सबसे पहला है, दरिया में कई सालों से सैलाब आ रहा होगा, सैलाब की इंग्लिश होती है फ्लड, इसकी आप खुद से इंग्लिश बनाइएगा, रिवर के साथ वैसे विल हैव बीन यूज़ होगा। सेकेंड है, लड़के शाम से होमवर्क करते रहे होंगे, शाम से फ्रॉम इवनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके साथ भी आप सिंस यूज़ कीजिएगा। नसीमा 1980 से 1980 स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, इसके साथ भी आपने सिंस यूज़ करना है, और नसीमा की वजह से यहाँ पर आप यूज़ करेंगे विल हैव बीन, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। असलम और अनवर, अब प्लूरल आ गए फिर, लेकिन इनके साथ यूज़ विल हैव बीन ही होगा, क्योंकि आई और वी के साथ सिर्फ हमने शैल यूज़ करना है। वो एतवार से रेडियो चला रहा होगा, इसके साथ भी आप विल हैव बीन ही यूज़ करेंगे। ये सोमवार है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एतवार है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो दोनों के साथ आप सिंस यूज़ करेंगे। अब इसकी इंग्लिश बना के देखें, और अपने से भी कुछ सेंटेंस सोच के उर्दू में फिर इसकी बना के देखें, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं से एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कैसे कन्वर्ट करने हैं, उसका पूरा प्रॉपर तरीके से एक टेबल देखेंगे। टेबल में हम देखेंगे कि ये जो 12 टेंसेज है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 8 टेंसेज में। सबसे पहले तो ये तीनों ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये वाला एक ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये 3, ये 2 और ये 3, ये टोटल 8 टेंसेज होंगे पैसिव वाइज में, जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो बनेगी टेबल पे,
उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे इन टेंसेस का एक टेबल का इंट्रोडक्शन बनी है। फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे एक एक टेंस को, कि प्रेजेंट डेफिनेट इन पैसिवाइज कैसा होगा, फिर इसमें यूज़ क्या क्या होगा, फिर इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्या होगी, और जो ज़्यादा पेपर में क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में उर्दू फिकरात के, इन कोई पैसिवाइज बनाएँ, उनको भी हम स्टडी करेंगे एक आध वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।